नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 23 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार विधान परिषद की निवेदन समिति में कई मामलों पर लिए गए फैसले। बिहार विधान परिषद की निवेदन समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे की अध्यक्षता में किया गया था। आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों और माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें 492 इंटर कॉलेजों और 577 माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान की स्वीकृति भी दी गई है। दक्षिण मध्य रेलवे ने विभिन्न ट्रेंड ऑपरेंटिस पदों के लिए निकाली रिक्तियां। दक्षिण मध्य रेलवे ने कुल 4103 पदों पर विभिन्न ट्रेंड ऑपरेंटिस पद के लिए रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो संबंधित क्षेत्र में ITI NCVT प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। वहीं इन पदों पर आवेदन करने की आयु सीमा की बात करें तो 8 दिसंबर तक से 15 से 24 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं ST SC को 5 तथा OBC को 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलेगी। वहीं इन पदों पर आवेदन भरने के लिए जनरल और OBC को 100 रुपए चुकाने होंगे, जबकि SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एवं महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार 8 दिसंबर तक www.scr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हर जिले में अब होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। बिहार सरकार ने बिहार में कार्यरत लोगों के लिए अहम सूचना जारी की है, जिसके तहत अब बिहार सरकार ने हर जिले में ESI यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस को लागू करने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए श्रम एवं संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ESI की समीक्षा बैठक का आयोजन किया था, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों से हर 3 महीने में ESI संबंधित बैठक करने का निर्देश जारी किया है। अब पटना एयरपोर्ट पर गाड़ी पार्किंग पर कटेंगे पैसे। आगामी 1 दिसंबर से पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके पश्चात अब पटना एयरपोर्ट पर 10 मिनट फ्री पार्किंग का प्रावधान अमान्य हो जाएगा। इसके लिए पटना एयरपोर्ट अब एक नया चार्ज रेट लागू किया जाएगा, जिसके तहत दोपहिया वाहनों को पार्किंग पर 30 मिनट में 10 रुपए काटे जाएंगे। वहीं 2 घंटे के बाद 15 रुपए की राशि ली जाएगी। इसके अलावा अब सभी गाड़ियों को एयरपोर्ट परिसर में घुसते ही 6 मिनट के अंदर परिसर को खाली कर देना होगा, वरना नियम तोड़ने के लिए भारी राशि का भुगतान भी किया जा सकता है। इंजीनियरिंग MTec और PhD छात्रों के लिए अहम सूचना। सभी इंजीनियरिंग MTec और PhD कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग MTec और PhD कर रहे छात्रों के स्कॉलरशिप की राशि को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत अब MTec करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि को 8,000 से बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया है। वहीं PhD करने वाले छात्रों को 2 साल के लिए 25,000 से बढ़ाकर 31,000 करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एशिया पैसिफिक ट्रिपल की अवार्ड के लिए विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में भारत के 5 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा का नाम भी शामिल था, जिसके पश्चात सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस विश्वविद्यालय को एशिया पैसिफिक ट्रिपल की अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना गया है, जिसकी खबर मिलते ही समूचे देश एवं राज्य में खुशी की लहर दौड़ रही है। MBA MCA की डिग्री लेकर बनना चाहते हैं चपरासी। बेरोजगारी इस समय समाज का सबसे अहम मुद्दा है, जहां बेरोजगारों की कतार दिन प्रतिदिन लंबी ही होती जा रही है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि MBA MCA करने वाले छात्र चपरासी और गेटकीपर की जॉब के लिए आवेदन भर रहे हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा के ग्रुप डी के 166 पदों के लिए तकरीबन 5 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से अधिकतर आवेदन MBA MCA ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले के हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों का प्रार्थना के समय लेना होगा शपथ। सभी सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 29 नवंबर को फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष सत्र के आयोजन करने का निर्देश दिया है, जिसमें सभी छात्रों से आयोजित इस विशेष सत्र में इस योजना के लिए शपथ दिलवाने का भी आदेश दिया है। NRC मुद्दे पर बोले गिरिराज। भाजपा के फायरब्रांड कहे जाने वाले नेता गिरिराज सिंह ने लंबे अरसे बाद NRC के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। NRC मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि देश में एक कानून और एक नागरिकता ही हिंदुस्तान की पहचान है। NRC है हर हिंदुस्तानी की मांग। रोहतास जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाए। रोहतास जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। ध्रुवाकूट और गुप्तधाम, अकबरपुर, शेरगढ़, धरकलंधा, रहल, रोहतासगढ़ फोर्ट, माँ तारा चंडी मंदिर जरूर घूमने जाए। पटना से रोहतास गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को 7 से 8 घंटे का सफर करना पड़ेगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को 10 से 11 घंटे का सफर करना होगा। पटना से रोहतास बाई रोड की दूरी NH 139 से 237.2 किलोमीटर है। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी की। पंकज त्रिपाठी मूल रूप से बिहार के निवासी हैं।
पंकज का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। पंकज त्रिपाठी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भी बिहार से ही की थी। पंकज ने अपने स्नातक की पढ़ाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पूरी की थी, जिसके बाद पंकज अपना करियर बनाने साल 2004 में मुंबई चले गए, जहां काफी स्ट्रगल के बाद उन्हें रन फिल्म में बहुत ही छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला था, जिसके पश्चात पंकज त्रिपाठी काफी फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग एक्टर नजर आने लगे। वहीं 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के कारण उनकी बॉलीवुड में लोकप्रियता बढ़ी, या यूं कहें कि पंकज की फिल्मी करियर का ब्रेक गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म से ही मिला, जिसके बाद पंकज कई फिल्मों में काम करते गए और अलग पहचान बनाते गए। 8-सीटर रोपवे का सपना लग रहा है महज सपना ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजगीर में 8-सीटर रोपवे बनाने का ऐलान किया था, मगर मुख्यमंत्री की परियोजनाओं में शुमार 8-सीटर रोपवे का सपना महज सपना ही लग रहा है। इस परियोजना के पूरा होने में विलंब होने के कारण पर्यटकों में मायूसी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, राजगीर जाने वाले लोग के लिए आकर्षण का केंद्र विश्व शांति स्तूप है, जहां तक जाने के लिए लोगों को रोपवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। 8-सीटर रोपवे के ट्रायल की खबर ने लोगों में एक उम्मीद की किरण जगा दी थी। तेज प्रताप यादव का नया अवतार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपने अतरंगे लुक्स के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर तेज प्रताप यादव का नया लुक चर्चाओं के बाजार में फैल रहा है। हाल ही में तेज प्रताप यादव को पंजाब के फिरोजपुर झिड़का में पांडवकालीन मंदिर में साधु के भेष में मंदिर में देखा गया है, जहां पर तेज प्रताप यादव ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, साथ ही साथ मंदिर परिसर में लगभग 2 घंटे तक एकांत समय भी व्यतीत किया। पीपा पुल हुआ शुरू। पीपा पुल पर गाड़ियों के परिचालन को रोकने के फैसले को अब सरकार ने बदल दिया है, जिसके तहत अब एक बार फिर से पहले की तरह पीपा पुल पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे कि साफ तौर पर पटना गांधी सेतु पुल पर बढ़ते दबाव के भी कमने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा पटना से उत्तर बिहार की ओर जाना भी अब काफी हद तक आसान हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिली है। पटना जंक्शन पर मेट्रो के दोनों स्टेशन होंगे अंडरग्राउंड। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य की शुरुआत होने से पहले कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। अब पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के अलाइनमेंट के साथ ही स्टेशनों की निर्धारित जगहों में फेरबदल की गई है, जिसके तहत डीएमआरसी द्वारा तैयार किए गए इस नए अलाइनमेंट के अनुसार पटना रेलवे जंक्शन के पास बनने वाले मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के स्टेशन अब अंडरग्राउंड बनाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीम प्रोजेक्ट के लिए 1688 करोड़ का मिला प्रावधान। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानमंडल में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसके तहत अब बिहार विधानसभा में साल 2019 के आय व्यय से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को पेश किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डीम प्रोजेक्ट के लिए 1688 करोड़ की राशि का भी ब्यौरा जारी किया गया है। पटना में फ्लाइट से सफर करना हुआ मुश्किल। ठंड का कहर अब विमानों पर भी दिखने लगा है। पटना एयरपोर्ट ने पटना से उड़ान भरने वाली करीब 16 फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रद्द होने वाली विमानों में इंडिगो की 6, गो एयर की 8 और स्पाइसजेट की 2 उड़ानें शामिल है। गुरुवार रात को मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली बैंगलोर और कोलकाता रूट के ज्यादातर विमान को रद्द किया गया। आपको बता दें, यह फैसला आने वाले समय में संभावित कोहरे को देखते हुए लिया गया है। दरअसल पटना एयरपोर्ट का रनवे अन्य एयरपोर्ट की अपेक्षाकृत छोटा है, ऐसे में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने पर जाड़े के दिनों में हर साल यह समस्या आती है। शाहनवाज हुसैन ने एनआरसी मुद्दे पर दिया अपना बयान। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने भारत में एनआरसी लागू होने के अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत में एनआरसी लागू होने पर भारतीय नागरिकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो बांग्लादेशी है उन्हें सोचने विचारने की जरूरत है। सभी बांग्लादेशियों को अपने मुल्क लौट जाना ही सही होगा। जैसे हम भारतीय को भारत से प्यार है, वैसे बांग्लादेशियों को भी अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए और अपने वतन लौट जाना चाहिए। 35 रुपए में प्याज खरीदने के लिए लगी कतार। बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। वहीं प्याज की बढ़ती कीमत को देखते हुए लोग प्याज का सेवन सोच समझकर करने लगे हैं, मगर अब पटना के विस्कोमान भवन में सस्ते दाम में प्याज मुहैया करवाने का जिम्मा उठाया है, जिसके तहत बाजार में 80 रुपए मिलने वाला प्याज विस्कोमान महज 35 रुपए किलो दे रहा है। अब सस्ते में मिल रहे प्याज को कौन नहीं लेना चाहेगा, ऐसा ही कुछ नजारा पटना के विस्कोमान भवन के नीचे भी देखने को मिला, जहां सस्ते दाम में प्याज खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। शीतकालीन सत्र में दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि शायद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे, मगर जैसे ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई वैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्र का हिस्सा बने विधानसभा पहुंचे। अपनी मौजूदगी से तेजस्वी ने सभी विपक्षी बयानबाजी पर ताला तो लगाया ही, साथ ही साथ मीडिया द्वारा लगाए जा रहे उन अटकलों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया, जिनका कहना था कि शायद तेजस्वी इस शीतकालीन सत्र से भी नदारद ही रहेंगे। फिल्म बाला पहुंची 100 करोड़ क्लब में। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला बस अब 100 करोड़ का रिकॉर्ड छूने ही वाली है। अभी तक इस फिल्म ने कुल मिलाकर
98.80 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें, आयुष्मान खुराना की इस फिल्म में भूमि पेडनेकर और यामी गौतम भी अहम भूमिका निभा रही हैं। पिंक बॉल टेस्ट मैच देखने पहुंची बड़ी हस्तियां। भारतीय क्रिकेट के ऐतिहासिक दिन के गवाह बनने राजनेता के साथ साथ बॉलीवुड की हस्तियों को भी न्योता भेजा गया था। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जाने वाले भारत और बांग्लादेश के बीच पहले डे एंड नाइट टेस्ट मैच में, साथ ही साथ इस मैच में पिंक बॉल के इस्तेमाल को देखने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मैदान में पहुंची। यहां पहुंचकर दोनों ने एक साथ बेल बजाकर मैच का आगाज किया। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3734 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3916 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46850 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.50 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.61 रुपए प्रति लीटर था। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में सुबह के वक्त हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। जेपी सेतु पुल से भारी गाड़ियों के परिचालन का फैसला गलत। रेलवे ने बिहार सरकार द्वारा जेपी सेतु पुल पर भारी गाड़ियों के परिचालन को शुरू करवाने के फैसले को गलत ठहराया है। परिचालन शुरू होने के पहले ही दिन रेलवे ने खुद जाकर जेपी सेतु पुल पर वाहनों की आवाजाही का जायजा लिया, जिसके पश्चात विभाग के अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि पुलों पर गाड़ियों के परिचालन से दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि जेपी सेतु पुल की क्षमता पहले के समान नहीं बची है। कल पूछे गए सवाल का जवाब बहुत लोगों ने हमें कमेंट करके बताया, जिनमें से चंदन कुमार, अरविंद कुमार, शिवनाथ मंडल, सेवा सदन, अजय कुमार, निधि कुमारी का सुझाव हमारी टीम को काफी अच्छा लगा। और भी कई लोगों के सुझाव हमें अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उन लोगों का नाम नहीं ले सके। और अब आज का सवाल, बिहार में खेल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए जॉब्स को लेकर बेरोजगारों के लिए रोजगार नामक नया सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका थर्ड वीक जॉब वीडियो डाला जा चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको हमारे जॉब से रिलेटेड वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।